कोरबा जिले के राजेश्वर न्यायालयों में कामकाज ठप। रायगढ़ में वकीलों पर हुए केस को ले वापस। रायगढ़ तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद का मामला गर्मा गया है। एक ओर जहां जिले में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों ने घटना के विरोध और अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया, वहीं दूसरी ओर जिला अधिवक्ता संघ ने भी रायगढ़ में अधिवक्ताओं पर हुए एफआईआर के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ ने बिगुल फूंक दी है। संघ ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अधिवक्ताओं पर हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ता काम बंद रखे। वहीं वे मांग के संबंध में कलेक्टर रानू साहू को ज्ञापन सौंपे। एफआईआर वापस नहीं होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यह जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप ने दी है। अधिवक्ताओं के राजस्व न्यायालयों में हड़ताल करने से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजस्व से जुड़े मामले को लेकर दूर दूर से तहसील कार्यालय पहुंचे ग्रामीण बिना काम कराए बैरंग वापस लौट रहे हैं। हुआ घटना, उस पे मैं अभी स्टेट वर्क काउंसिल बिलासपुर से एक दिन के अहवाल की हड़ताल की, इसके साथ काली पट्टी बांध के हम लोगों ने हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे सभी वर्क शामिल है और आगे अगर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे भी बढ़ेगा इसकी हड़ताल। उसके लिए बोलेंगे इनको ताला नहीं लगाना चाहिए था आज, इन्होंने गलत किया है। जबकि न्यायालय है, न्यायालय को अपने हिसाब से चलना चाहिए। हड़ताल अलग मैटर है, ये मैटर अलग है, इसे ताला नहीं लगाना चाहिए उनको। मतलब घटना घटी है वकीलों के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हाँ, वकील अधिवक्ता की पैरवी के लिए न्यायालय में आता है और अपने बातों को रखता है। सिविल न्यायालय के आदेश के परिपालन में वहाँ के अधिवक्ता ने अपनी बात को रखी और जिसके साथ उस अधिवक्ता के साथ वहाँ के पीठासीन अधिकारी राजस्व अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण से ये घटना हुई है। उस घटना के संबंध में हम सभी अधिवक्ता भाई जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सम्मानित सदस्य यहाँ पर हम एक दिवसीय कलम बंद बहिष्कार के समर्थन में बैठे हुए। ये एनएस भूअर्जन का पैसा लेना था अपना, अब यहाँ आकर तो आज तो आए हैं तो अब ताला बंद है भाई यहाँ पर। क्या आपको परेशानी हुई? अब यहाँ आने से परेशानी लगभग वहाँ से हम 25 किलोमीटर से आते हैं, है ना, यहाँ आते हैं तो आज तो ताला लगा है, पहले भी आए तो हो जाएगा ऐसे बोला है, बाकी अभी तक हुआ नहीं है। अब ये तो अपने को जानकारी नहीं था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।